हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सुबह सुबह कुरियर बॉय पार्सल देके गया था और वो मैंने सैनिटाइज करके धूप में रखा था सैनिटाइज होने के लिए। वही तो उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ओपन कर रही हूँ उसे, क्योंकि मैंने इसमें ना माही के लिए कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर किए थे और वही मुझे रिसीव हुए थे। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि कैसे टी शर्ट्स हैं। ये मैंने रेगुलर के लिए माही के लिए ऑर्डर किए थे और ये कुछ इस तरह से टी शर्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं। 5 टी शर्ट्स का सेट था ये, तो मैंने रेगुलर के लिए मतलब डेली वेयर के लिए माही के लिए ये टी शर्ट्स लिए थे। और क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, तो माही के कुछ डेली वेयर के कपड़े जो है वो टी शर्ट जो है वो ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो उसके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ये टी शर्ट्स मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे और इसमें से एक माही ने पहन लिया है। जो पॉलिथीन आपको खाली दिख रही है उसमें से माही ने पहन लिया है। अच्छा लगा क्या आपको? मतलब अंदर स्पगेटी पहननी पड़ेगी, इसके अंदर इसने स्पगेटी पहनी है तो थोड़ा सा हाँ मतलब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा आपको? कपड़ा पतला लग रहा है, वैसे अच्छा है ना घर पे पहनने के लिए? हाँ रेगुलर के लिए ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? तो अभी डेली अलग अलग पहना करो, अब डेली अलग अलग कलर के, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, वो डार्क ब्लू है शायद। अच्छा लग रहा है आपके ऊपर वैसे, है ना? वैसे टी शर्ट्स अच्छे हैं और माही को भी अच्छे लगे और कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। डार्क कलर है और माही के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप देख ही सकते हो। माही को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अगर लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपके लिए। हे गाइस, अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी भी मैंने नहाया है और मैंने ना आज हेयर वॉश किए हैं, तो इसीलिए बाल गीले ही है अभी भी। तो मैं सोच रही थी कि सूख जाए उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि आप लोग बहुत लोग बोल रहे हो कि बाल खुले छोड़ के मत जाया करो किचन में।
बट ना मेरे बाल गिरते नहीं है, इसी वजह से मुझे इतना टेंशन नहीं है। और वैसे भी मुझे ना खुले रखने की आदत है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि खुले रखती हो, हमें तो खुले रखने से परेशानी होती है, बट आप लोगों को होती होगी, मतलब बहुत से लोगों को नहीं आदत होती है, बट मुझे पहले से खुले रखने की आदत है, इसीलिए मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पर माही थोड़ा सा जो मेकअप का सामान है वो मेरा वेट कर रही है, तो मतलब उसको कुछ काम नहीं है अभी, इसीलिए वो मेकअप का सामान सेट करी है, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग रख रही है। अभी किचन में जाती हूँ, उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, तो लंच में जो बनने वाला है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। तो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी वाली गवार की सब्जी, मतलब गवार की फली की सब्जी। और ये जो सब्जी है वो महाराष्ट्रियन देसी स्टाइल सब्जी है। आपने अगर खाई है तो अच्छा है, और नहीं खाई है तो आप अभी रेसिपी सीख लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से अगर बनाते हो तो, और ये देसी स्टाइल में है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप दूसरी तरह से बनाते हो तो वही टेस्ट खा खा के भी बोर हो गए होंगे आप, तो इसीलिए मैं महाराष्ट्रियन स्टाइल से आपको देसी स्टाइल से बनाना अभी बताऊंगी। और रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ना गवार की फली को काट लिया था, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े उसके काट लिए थे। उसके बाद ना मैंने उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के कढ़ाई में फ्राई कर लिया, मतलब थोड़ा सा उसको होने दिया है जब तक उसको काले दाग ना गिर जाए। उस थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने उसे एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में डाला है ऑयल, उसके बाद जीरा राई डाला है, और यहाँ पर मैंने ना लहसुन को थोड़ा सा कूट लिया था। यहाँ पर दरदरा लहसुन चाहिए था मुझे इसी वजह से, और मैं जो पेस्ट बना के रखती हूँ वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है, तो मुझे यहाँ पर दरदरा लहसुन चाहिए था, तो मैंने इसे वो कूट लिया था। और उसके बाद ये ऐड किया है, अच्छे से लहसुन को होने दिया है, और उसके बाद मैंने प्याज ऐड किया है, और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, और लहसुन और प्याज एक साथ भून जाएंगे, और अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद मैं उसमें अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और अदरक अगर आप अलग से डालते हो ना तो उसका टेस्ट उसमें पता चलता है, तो इसीलिए अदरक अलग से डाला है और ऊपर से डाला है थोड़ा सा। और उसके बाद अच्छे से ये सारी चीज़ें भून लूँगी, मतलब इसका कलर आपको गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो बस अच्छे से भून जाने के बाद उसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में बेसिक से मसाले होंगे जैसे कि हल्दी, नमक, और क्या बोलते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये सारी चीज़ें डाल के हमें अच्छे से इसे भी भून लेना है। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है टोमेटो, तो एक टोमेटो मैंने काट लिया था, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है टोमेटो, और उसके बाद मैंने पहले नमक नहीं ऐड किया था, तो मैं टोमेटो के बाद ही नमक ऐड करती हूँ, मतलब टोमेटो डालने के बाद ही नमक ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पर टोमेटो डाल दिया, नमक ऐड कर दिया, उसके बाद अच्छे से चला लेना है आपको, ताकि जो हमारे टोमेटो है अच्छे से गल जाए। तब तक चलाना है जब तक टोमेटो नहीं गलते। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मसाले जले ना, इसीलिए पानी ऐड कर दिया था, और अच्छे से ढक्कन रख के पका लूँगी इसे, मतलब हमारे टोमेटो भी गल जाएंगे और अच्छे से उसका जो फ्लेवर है उसमें सारी चीज़ों में आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ढक्कन रख दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद चेक किया तो टोमेटो गल चुके थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी। उसके बाद मैंने इसमें ये गवार फली ऐड कर दी है और अच्छे से चला लेना है ताकि उसमें सारा मसाला लग जाए, और उसके बाद भी ढक्कन रख के उसे अच्छे से पका लेना है आपको, थोड़ी देर तक पकाना है। और गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर थोड़ी सी पतली बॉटम वाली कढ़ाई हो तो वो जले ना नीचे से, तो एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर पक चुका था तो मैंने पानी गर्म किया था, पानी गर्म करने के बाद वो पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद ना हमें ढक्कन नहीं रखना है, ढक्कन रखने से ना उसका टेस्ट चला जाता है, इसी वजह से वो फ्लेवर नहीं आ पाता है उसमें। बिना ढक्कन के ही आपको इसमें अच्छे से पका लेना है इसको, और बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाना है ताकि ये पूरी जो गवार फली है वो गल जाए, और अच्छे से पका लेना है, पानी भी कम हो जाएगा उसके बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है, पानी भी कम हो गया है, और उसके बाद गवार फली सारी गल चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मूंगफली का पाउडर बना के रखा था, तो मूंगफली को भून लिया था, उसके बाद मैंने उसका पाउडर बनाया है और वही उसमें ऐड किया है सारी चीज़ों के बाद, मतलब लास्ट में उसमें ऐड करना है ये मूंगफली का पाउडर, और बस उसको अच्छे से चला लेना है। इसके बाद भी आपको अच्छे से थोड़ी देर तक पकाना है इसे। कंसिस्टेंसी आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैंने उसके बाद पानी ऐड कर दिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मुझे गाढ़ी लग रही थी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और उसके बाद भी थोड़ी देर पका लिया है।
ये ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी, अगर आप इस तरह से बना के देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, आपने देख ही लिया कितनी जल्दी से बन गई। और आप अपनी रेसिपी खा खा के भी बोर हो गए होंगे, तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए और इस तरह से बना के देखना। महाराष्ट्रियन बनाते होंगे, पता नहीं अभी कौन कौन बनाता है इस तरह से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग इस तरह से बनाते हो तो। और अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और उसके बाद भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। बस सब्जी बन गई थी, रोटी बन गई थी और दाल भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, सारे मतलब खाना ही बन गया था मेरा। तो उसके बाद सिर्फ रायता बनना बाकी था, तो मैं रायता बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ककड़ी जो है मतलब खीरा जो है वो कद्दूकस कर लिया है, हमारे साइड में ककड़ी बोलते हैं उसे, तो कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है दही, और इस बार इन्होंने ना मलाई वाला दही लाया था, तो कोई बात नहीं, मैं मलाई वाला दही खाती नहीं हूँ, बट इसमें मैंने मलाई वाला ही दही ऐड किया है। वैसे ये मलाई वाला दही बहुत कम लाता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ मलाई वाला दही, तो मैंने दही ऐड किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी चीनी ऐड की है। बस इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता है तो आपके घर में धनिया पत्ता ऐड कर देना है उसमें। मैंने इसमें ऐसे ही धनिया पत्ता तोड़ के ही डाल दिया था और ये बन गया है हमारा खीरे का रायता। और मेरा जो है खाना भी बन गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी माही का यहाँ पर सेट नहीं हुआ था सामान। इसने ना पूरा मेरा मेकअप का सामान निकाल दिया था ड्रेसिंग टेबल में से और पूरा सेट कर रही है, मतलब लिपस्टिक अलग बॉक्स में, सारे मस्कारा अलग बॉक्स में, मतलब आईज़ की चीज़ें अलग बॉक्स में, लिप्स की अलग बॉक्स में, ऐसे करके वो फेस की अलग बॉक्स में ऐसे लगा रही थी, सेट कर रही थी। और उसे कुछ काम नहीं था, इसी वजह से वो बोर हो रही थी, तो मुझे बोला कि ये कर सकती हूँ कि मम्मा मैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है आप कर लो। तो वो भी बोर हो रही थी इसीलिए ये काम कर रही थी, मतलब ज़रूरत नहीं थी इसकी, वैसे भी सेट करके ही रखा था, बट थोड़ा सा हो जाता है ना, मैं इसमें से यूज़ करती हूँ तो कभी कभी अलग अलग हो जाता है। तो ये पर्पल के और अमेजोन की ही बॉक्स है, उसमें भी मैंने रखा है। और आप लोगों में से काफ़ी लोग बोल रहे हो कि मेकअप कलेक्शन दिखाने के लिए, तो मैंने इतने अच्छे से सेट नहीं कर रखा है डियर, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। अगर आपको मेकअप कलेक्शन देखना है मेरा तो मैं इस तरह से आपको दिखा सकती हूँ, सिर्फ माइंड मत करना, मैं इस तरह से आपको बाद में दिखा दूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको मेरा मेकअप कलेक्शन देखना है। वैसे मेरे हिसाब से तो मेरे पास बहुत सारा है, मतलब मैंने सारा अपने पैसे से परचेस किया है और कोई स्पॉन्सर वगैरह मुझे मेकअप नहीं मिला है, मतलब किसी ने ब्रांड ने वगैरह नहीं भेजा है, मैंने सारा अपने पैसों से ही परचेस किया है। बट मेरे हिसाब से, परचेस करने के हिसाब से तो बहुत सारा है मेरे पास। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो चुकी थी, इसमें चावल है, रायता है, रोटी है, अचार लिया है थोड़ा सा, और वही गवार की सब्जी, और क्या बोलते हैं दाल ली है, वो प्लेन वाली दाल, उसमें घी डाल के बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है प्लेन वाली दाल। हमारे साइड में ऐसे ही खाते हैं सारे लोग, तड़के वाली दाल इतनी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, ऐसे ही खाते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ, ज़्यादातर मेरे घर पे तड़के वाली दाल बनती है, बट कभी कभी मैं ऐसे ही प्लेन दाल बना लेती हूँ, घी डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस हम लोग अभी लंच कर लेंगे, आप भी आ जाइए लंच करने। बस लंच करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया था, उसके बाद शाम को ये बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ, माही कुछ ना कुछ ये ऐसे उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का देखती रहती है, बनाती रहती है कुछ ना कुछ, और ये उसकी बुक्स लेके कुछ ना कुछ करते रहता है अद्विक। और यहाँ पर माही कुछ झूमर टाइप का बना रही थी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में देखा था उसने, बस सेम वो बना रही थी ये, और बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कैसे बना था ये, और बहुत अच्छा बनाया था उसने। बस उसका ना सुबह मतलब उसकी ऑनलाइन क्लासेस रहती है, तो इसी वजह से सुबह तो कुछ कर नहीं पाती, इसी वजह से शाम को ऐसे कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कर लेती है, तो ये कर रही थी, वो बना रही थी ये। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, तो उसमें से कुछ लोगों के मैंने आंसर भी किए थे और कुछ लोगों को रीज़न भी बताया था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। और पहला रीज़न तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बता दिया, उसमें भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि ऐसा क्या रीज़न था कि आ रहे थे। तो पहला रीज़न तो आपको मैंने बता दिया था, दूसरा रीज़न ऐसा है कि उसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, 2-4 दिन से मैं खुद इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मतलब उसी में मेरा दिमाग चल रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं, खाना भी नहीं खाती थी ना, मेरा दिमाग किसी चीज़ में काम करता था, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, ना कुछ करती थी मैं घर पे, ना कुछ काम करने का मन करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था,
मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं किया और ऐसे सिचुएशन में वीडियो बना भी नहीं पाती थी। आपसे अभी बात भी कर रही हूँ ना, तो मुझे वही याद आ रहा है। तो भी बताना ज़रूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ऐसा था कि मेरे पड़ोस में एक मर्डर हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे बच्चे का, 10 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है, और वो भी आप सोच भी नहीं सकते हो कि किसने किया होगा। हम सभी कॉलोनी वाले इतने ज़्यादा शॉक में हैं कि ये कैसे हो सकता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होगा। तो आपको बता दूं कि छोटे 10 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है, और वो भी किया है उसकी सगी बहन ने। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसकी सगी बहन ने उसका मर्डर किया है, वो भी इतने छोटे बच्चे का, और इतनी बेदर्दी से उसे मारा है कि आपको क्या बताओ। मतलब एक कोई साइको ही ऐसा मार सकता है। पता नहीं उसका दिमाग कहाँ चला गया था या उसको क्या हुआ था, मतलब उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, वो तो बिल्कुल अभी पता नहीं चला है। वो अरेस्ट हुई है जब उसने मर्डर किया था, तो उसके बाद वो भाग गई थी घर से, तो उसके बाद तो उसका पता नहीं चला था। बट अभी उसका पता चला है, उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। बट ये रीज़न नहीं पता चला है कि क्यों उसने ऐसा किया है। कुछ दिनों के बाद रीज़न पता चल जाएगा तो आपको बता दूंगी। बट थोड़ा सा उसने बयान दिया है कि उसने ये क्यों किया है। मतलब उसका कहना था कि उसके मम्मी पापा वो जो छोटा बच्चा है उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, और बड़ी बेटी को ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं इसी वजह से। और बेटी भी बहुत छोटी नहीं थी, बेटी 22 साल की बेटी थी। मतलब ये समझो कि किसी गांव में होती तो अब तक शादी हो चुकी होती और बच्चे भी हो चुके होते थे। इतनी बड़ी लड़की थी वो, और उसने ऐसा किया। मतलब हम लोग सारे लोग शॉक में थे। आप सोच सकते हो कि हम लोगों की ऐसी हालत हो गई थी, तो उसके माँ बाप की कैसे हालत हो गई होगी। तो आप सोच सकते हो इस हालत में मैं वीडियो कैसे बनाती, और वीडियो बनाने का तो छोड़ो, मतलब मैं 2 दिन से खाना भी नहीं खा पा रही थी, इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया था मैंने उस। क्योंकि क्या है ना कि मेरे पड़ोस में ही है, और हम लोग उस लड़के को हमेशा देखते थे, लड़की को हमेशा देखते थे। हम लोग खुद शॉक में थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मुझे पता चला ना कि ये हो गया है, तो मतलब मेरा दिमाग एकदम काम करना ही बंद कर दिया था मेरे दिमाग ने। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आप भी सोच सकते हो कि ऐसे हालत में कोई वीडियो कैसे बना पाएगा। अभी भी जब मैंने दिमाग से निकालना स्टार्ट किया वो, तो मतलब सभी लोग समझा रहे हैं कि यार ये कभी ना कभी तो दिमाग से निकालना पड़ेगा। फिर भी मेरा ध्यान उसी में जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ या कुछ भी, तो उनका घर मुझे सामने दिख रहा है और मेरा दिमाग उसी चीज़ में जा रहा है। बट फिर भी मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जिस दिन मर्डर हुआ या उसके दूसरे दिन, तो पुलिस का आना जाना ये वो, तो वो हमारे घर पे ही ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी मेरे घर पे ही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो चेक करने आते थे बार बार, ताकि सीसीटीवी में कुछ दिख जाए, मतलब कैसे हुआ है, कोई आया था या उनके घर पे, या बेटी ने ही मर्डर किया या वो कैसे गई। बट यहाँ पर थोड़ा सा खुला एरिया है ना, तो इसी वजह से वहाँ तक हमारे सीसीटीवी की रेंज नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए हमारे सीसीटीवी में कुछ भी नहीं दिखा, और पता नहीं चला था कि वो लड़की कहाँ गई है, कहाँ पे, मतलब कौन सी साइड से गई है, तो ये कुछ भी पता नहीं चला था। वैसे पुलिस तलाश कर रही थी लड़की की, बट लड़की मिल गई है, और लड़की पुलिस स्टेशन में ही है। बट अभी तक हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चला है कि क्यों उसने ऐसा किया है, और मतलब इतना ज़्यादा एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता चला है। बट जैसे ही पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस इतना ही बोलना चाहती थी और इतना ही बताना चाहती थी आपको। ये जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना हुई है, और जिनको भी हमारी सिटी में पता चल रहा है वो सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग टेंशन में हैं।